12.7. A steam engine delivers 5.4 into 10 raised per 8 joule of work per minute and services 3.6 into 10 raised per 9 joule of heat per minute from its boiler. What is the efficiency of the engine? How much heat is wasted per minute? आपको मैंने बेसिक हीट इंजन की वर्किंग बताई थी ना. दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन दैट कि व्हाट डज अ हीट इंजन डू. इट एक्सट्रैक्ट्स क्यूवन अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स, परफॉर्म सम वर्क डब्ल्यू आउट ऑफ इट एंड रिजेक्ट्स द रिमेनिंग हीट इनटू द सिंक, क्यू टू अमाउंट ऑफ हीट इनटू द सिंक. सो द मीनिंगफुल वर्क डन वॉज डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू. अब स्टीम इंजन जो है वो कितना वर्क कर रहा है, वो गिया गिवन है W एंड सर्विसेज दिस मच हीट फ्रॉम द बॉयलर. बॉयलर मतलब फ्रॉम द सोर्स. बॉयलर इज एट हाई टेम्परेचर तो वही सोर्स होगा यहाँ पे. हाउ मच हीट इज वेस्टेड पर मिनट मतलब कितनी हीट सिंक में रिजेक्ट की गई है, कितनी हीट सिंक में वेस्ट जो थी वो उसको थ्रो किया गया है. वी हैव टू फाइंड दैट क्यू टू दैट मीन्स. So Q1 is the heat that the engine is taking from the boiler. Okay, Q1 is amount of heat that the engine is taking from the boiler. W to direct diya hua hai. How much heat is wasted per minute means we are to calculate Q2. If you understand this question. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये working substance होता है heat engine में. It takes Q2, Q1 amount of heat performs W work. And rejects Q2 amount of heat into the sink. So in this case, W is equal to Q1 minus Q2. From the direction of arrows, we can say this. Okay, from the direction of arrows, we can make it out. So let us put the value of W and Q1 and find Q2 from here. Work diya hua hai 5.4. इंटू 10 raised to power 8 जाओ और Q1 दिया हुआ है 3.6 into 10 raised to power 9. 3.6 into 10 raised to power 9 एंड Q2 वी हैव टू फाइंड. तो चलिए यहां से बस Q2 निकालना है आपको. सॉल्व दिस एंड यू विल गेट दिस अमाउंट ऑफ हीट इन जॉल. तो देख लीजिए, एनी डाउट इफ यू हैव यू कैन आस्क. सो दिस विल गिव यू क्यू टू एंड हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. वी आर ऑल्सो सपोज टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. कौन बताएगा वट इज द फॉर्मूला फॉर एफिशियंसी? Yes, students, what is the formula for efficiency of heat engine? Eta. Bataiye. Any one of you? Yes, Samriddhi, bolo. Ma'am, 1 minus Q2 by Q1. Yes. So, eta is equal to 1 minus Q2 upon Q1. Eta is 1 minus Q2 over Q1. तो ये भी जो भी Q2 आप निकालोगे उसको यहाँ पे put करके you have to solve. So have you solved Q2? Tell me what is it is its value. Q2 कितना आया? Solve किया किसी ने ये? आप इसको कैसे solve करोगे? 36 into 10 to the power 9. How much? 3.06 into 10 to the power 9. तो बस इसको सॉल्व करके इनटू 100 कर देना, परसेंटेज में एफिशिएंसी आ जाएगी. ठीक है, यू विल मल्टीप्लाई दिस बाय 100 एंड यू विल मेंशन द एफिशिएंसी इन परसेंटेज. 10 raised to power 8 यहाँ पे कॉमन ले लोगे ना तो ये 3.6 into 10 raised to power 9 हो जाएगा 36. सो दिस वे यू कैन सॉल्व. अब 36 में से 5.4 माइनस कर दो. ठीक है, यू विल गेट 31.5
30.6 into 10 raised to power 8. ये आई 10 raised to power 8 आया ये. अच्छा आपका 3.06 है, ठीक है मेरा 30.6 है, इट्स ओके. ऑल राइट, सो एफिशिएंसी इन परसेंटेज यू कैन कैलकुलेट. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 12.8. एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट. अच्छा ये सारा पर मिनट है हीट, क्योंकि यहाँ पे पर मिनट पूछा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं. एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट टू अ सिस्टम एट अ रेट ऑफ 100 वॉट. तो डी क्यू बाय डी टी, मतलब ये अकेला डी क्यू नहीं है, उसका रेट है. यूनिट से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि दिस इज वॉट नॉट जाऊ. सो डी क्यू पर सेकेंड इज 100 वॉट. इफ सिस्टम परफॉर्म्स वर्क एट अ रेट ऑफ 75 जाउल्स पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो डी डब्ल्यू पर सेकेंड, एट वॉट रेट इज द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग. सो वी आर टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी. सो विच लॉ विल बी यूज हियर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सिंपली वील बी यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला. dq is equal to du plus dw. अब ये सारा पर सेकेंड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हाउ मच हीट इज सप्लाइड पर सेकेंड? 100 वॉट. वी आर टू फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर सेकेंड एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम इज 75 जूल्स पर सेकेंड, 75 वॉट. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर सेकेंड इज 25 वॉट. So the answer is 25 watt. This is simply first law of thermodynamics. Okay? This is simply a numerical based on first law of thermodynamics. Dekh lijiye dhyan se. If any doubt is there, you can ask. Okay? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ओके लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. 12.9. अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन ओरिजिनल स्टेट टू एन इंटरमीडिएट स्टेट बाय द लीनियर प्रोसेस शोन इन फिगर. देखिए ध्यान से, अ ग्राफ इज गिवन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. Who will tell me what is this graph called? Graph between pressure and volume, what is this called? Kya diya hua hai humne? Yes? What is this graph between P and V called? Anyone? Isobar, ma'am. Kaun sa? Isobar. नहीं नहीं मैं उसकी प्रोसेस की टाइप नहीं पूछ रही हूँ. आई एम आस्किंग द नेम ऑफ द ग्राफ. व्हाट डू वी कॉल द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम? व्हाट डू वी कॉल? इंडिकेटर डायग्राम. इंडिकेटर डायग्राम, यस दैट इज इंडिकेटर डायग्राम. एंड व्हाट डू वी कॉल द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर? व्हाट डू वी कॉल द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर? यस स्टूडेंट्स, फेज डायग्राम. Which one? Phase diagram. Yes, very good. So there are two types of graphs that we have done. Phase diagram is the graph between pressure and temperature. Indicator diagram is the graph between pressure and volume. ठीक है? चलिए आगे पढ़ते हैं. Its volume is then reduced to original value from E to F by an isobaric process. Calculate the total work done by the gas from D to E to F. एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, वो डी से पहले ई पे गया, फिर ई से एफ पे गया और फिर वापस आया. सो दिस इज इंडिकेटिंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, व्हेन द ग्राफ, व्हेन द सिस्टम रिटर्न्स बैक टू द ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अंडरगोइंग एनी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज रिटर्निंग बैक टू द इनिशियल स्टेट आफ्टर गोइंग अंडरगोइंग थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑल्सो, आफ्टर गोइंग टू इंटरमीडिएट पॉइंट ई ऑल्सो. ठीक है, इट इज रिटर्निंग बैक टू द सेम पॉइंट, दैट मीन्स दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट हैज बीन शोन हियर. हु विल टेल मी विच लाइन, विच
curve out of these is representing isochoric process. इनमें से isochoric process से corresponding कौन सी line है, कौन सा graph? Yes, anyone? Isochoric process कौन सी line show कर रही है इसमें? Hurry up, come on. Yes, student. F to D. Yes, EF. या FD आप कहते हैं. तो FD is indicating isovolumic और isochoric process. इसमें volume constant रह रहे हैं. और isobaric कौन सी है? Isobaric कौन सी है? Yes, Japanjot, बोलो. मैम E to F. Yes, EF. So EF line is indicating isobaric process because pressure is constant in this case. Okay, so we have to calculate amount of work done. You please note it down. अगर हम Carnot cycle explain करते detail में, तो हम इसको derive भी कर लेते. But right now you just note this information. We are not deriving it because Carnot cycle is not in our syllabus. That meaningful work done in such a case, whenever we are given a reversible process on an indicator diagram, meaningful work is enclosed by area of the curve only. ठीक है, यहाँ पे main curve आपका DEF triangle है, तो उसका जो area है, मतलब side वाला जो area dotted वगैरह mark किया हुआ है, we will leave that. So the meaningful work done is only the area enclosed by the shape formed. तो यहाँ पे जो ट्राइंगल के अंदर का एरिया है DEF, दैट इज द ओनली मीनिंगफुल वर्क डन. तो आप इसमें मीनिंगफुल वर्क डन ग्राफ से क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. तो दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बस उसको सॉल्व करना है. तो बेस कितना आ रहा है आपका, 5-2 3 m³, एंड योर परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल DF, दैट इज हाउ मच, 600 - 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीन 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो लेट अस डू दैट. इन दिस केस द मीनिंगफुल वर्क डन बाकी सब वेस्टेज है. मीनिंगफुल वर्क डन इज एरिया इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ, सो दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF. ओके, हाफ इंटू बेस दैट इज EF इंटू हाइट दैट इज DF. नाउ EF इज 2 एंड दिस इज 300, सो द आंसर इज 300 जूल. दैट इज मीनिंगफुल वर्क डन. एक मिनट, 5-2 ये 3 है. So the meaningful work done in this case is 450 joule. Yes, any doubt to anyone? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? चलिए ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. दैट इज अ रेफ्रिजरेटर इज टू मेंटेन ईटेबल्स केप्ट इनसाइड एट 9°C. इफ रूम टेम्परेचर इज 36°C, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. ठीक है, हमें रेफ्रिजरेटर तो हमारे सिलेबस में नहीं है. ठीक है, तो इसको लेट्स लीव दिस क्वेश्चन, लेट्स नॉट डू दिस. सो आवर एक्सरसाइज इज ओवर नाउ. And now I am going to repeat that lecture. थोड़ा सा आपको overview दे देती हूँ. उसमें हमने सिर्फ दो topics किए थे, greenhouse effect and Wien's displacement law. So I was starting from black body. एक perfectly black body, I told you, एक lamp black या platinum black perfectly black body के examples हैं. तो जब हम एक bolometer एक device होता है, उससे हम intensity of रेडिएशंस, हीट रेडिएशंस एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो सपोज एक डिवाइस से, इस बोलोमीटर से हमने इंटेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस नोट कर ली फॉर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स, राइट.
So then when we plot a graph between this wavelength and intensity of heat radiation emitted by perfectly black body, then we get a graph. And then we repeat this process at different temperatures. So corresponding to different temperatures, we get 2-3 curves. तो उनके बेसिस पे हम लॉ यहाँ से डिड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो ग्राफ देखिए पहले कैसा था. वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ This is wavelength lambda. This is intensity of heat radiation emitted by a perfectly black body. या ब्लैक बॉडी, ठीक है. इधर हम इंटेंसिटी ले लेते हैं एंड दिस साइड वी टेक द वेवलेंथ. सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑब्टेन्ड एट टेम्परेचर T1. द पीक ऑफ द ग्राफ इज कॉल्ड लैम्डा मैक्सिमम. पीक ऑफ द ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम वेवलेंथ. लेट अस कॉल इट लैम्डा मैक्सिमम. नाउ एट हायर एंड हायर टेम्परेचर वी गो ऑन प्लॉटिंग द ग्राफ, वी गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ for T3 greater than T2 greater than T1. इस टाइप का ग्राफ आ रहा है. एंड वॉट डू वी ऑब्जर्व कि लैम्डा मैक्सिमम जो है वो आपकी कम होती जा रही है बिकॉज इट इज शिफ्टिंग टू द लोअर वेवलेंथ साइड. आपकी जो पीक है ना लैम्डा मैक्सिमम वो कम हो रही है बिकॉज इट इज शिफ्टिंग टू द लोअर वेवलेंथ साइड. सो दैट मीन्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर लैम्डा मैक्सिमम इज डिक्रीजिंग. आपकी पीक कम हो रही है, ठीक है. सो दिस इज आर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ दैट मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ हीट रेडिएशन एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. जितना टेम्परेचर हाई होगा लैम्डा मैक्सिमम उतनी लेफ्ट की तरफ जाएगी, उतनी शॉर्ट वेवलेंथ की साइड पे जाएगी, मतलब कि डिक्रीज होती है. So lambda maximum is inversely proportional to temperature. This is called Wien's displacement law. Uski statement boli hai maine, theek hai. To likh lijiye what is Wien's displacement law. Maximum wavelength of heat radiations emitted by a black body. Is inversely proportional to emitted by a black body is inversely proportional to temperature ठीक है. तो यहां पे फिर हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं बी कॉल्ड वीन्स कांस्टेंट. एंड दिस इज आवर फॉर्मूला वेयर बी इज वीन्स कांस्टेंट. एंड यूनिट इसका क्या होगा यहां से मीटर केल्विन. एंड द वैल्यू इज 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वीन्स कांस्टेंट 2.898 × 10⁻³ मीटर केल्विन. देन आई टोल्ड यू टू एप्लीकेशन ऑफ वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. दो एप्लीकेशन ये थी कि एक तो हम अगर हमें एक टेबल बना लिया, ठीक है, और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनकी हमने मैक्सिमम वेवलेंथ नोट करके रख ली, ठीक है. तो अगर हमें वहां का टेम्परेचर पता है तो फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा मैक्सिमम वी कैन आइडेंटिफाई दैट एलिमेंट कि अगर इतनी वेवलेंथ आ रही है इसका मतलब ये वाला एलिमेंट होगा. सो मेनी एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड. Second thing is if we know the lambda maximum then we can find surface temperature of any heavenly body. So aise hi sun moon vagaira heavenly bodies ka surface temperature calculate kiya gaya hai using Wien's displacement law.
ठीक है, वी विल डू दैट इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सेकेंड टॉपिक था हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो आपको ऑलरेडी पता है, टेंथ में आपने पढ़ा हुआ है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है. हीटिंग अप ऑफ अर्थ्स एटमोस्फियर ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय कार्बन डाइऑक्साइड लेयर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर. देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. इट अलाउज द इंफ्रारेड रेज कमिंग फ्रॉम द सन टू एंटर अर्थ्स एटमोस्फियर, बट इट डजंट अलाउ द शॉर्ट वेवलेंथ रेज, लॉन्ग वेवलेंथ रेज टू गो बैक. जो सन से इंफ्रारेड रेडिएशन आ रही हैं, वो शॉर्ट वेवलेंथ की हैं, वो बहुत एनर्जेटिक हैं, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. ठीक है, सो दीज आर शॉर्ट वेवलेंथ रेज, दे आर मोर एनर्जेटिक, उनमें बहुत सारी एनर्जी है. तो वो रेज तो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रोक नहीं पाती, उनको ही अलाउ कर देती है अपने में से पास करना. बट वेन वी रीचेज द अर्थ, इट रीचेज द अर्थ एंड इट हीट्स अप द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ. अब कोई चीज हीटअप होगी, वो भी हीट रेडिएट करेगी, उसमें से भी हीट निकलनी शुरू हो जाएगी. सो इट हीट्स अप द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड दे ऑल्सो रेडिएटिंग, स्टार्ट रेडिएटिंग द हीट. बट द हीट कमिंग फ्रॉम देम इज नॉट एज हॉट एज द रेज कमिंग फ्रॉम द सन. सो दीज आर लॉन्ग वेवलेंथ रेज, वो कम एनर्जेटिक है. तो जब वो ऊपर जाने लगेंगी, रिफ्लेक्ट होके अर्थ के सर्फेस से रिफ्लेक्ट होके वापस जाने लगेंगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर विल नॉट अलाउ देम टू डू सो. सो दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इनटू अर्थ्स एटमॉस्फेयर. सिंस दे आर हीट रेडिएशंस, दे विल गो ऑन हीटिंग अप अर्थ्स एटमॉस्फेयर. क्योंकि है तो वो हीट रेडिएशंस है, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, चाहे लॉन्ग वेवलेंथ की है, बट हीटिंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस कर ही रही है ना. तो जितनी देर वो रहेंगी अंदर, उतना हीट अप करती रहेंगी. सो दिस वे what will happen, heating up of earth's atmosphere will take place. This is called greenhouse effect. And you know, greenhouse effect is so crucial for all of us. It makes earth a special planet to live in. Because of this, right amount of temperature is available on earth, that is to sustain life. Jo life ko sustain kar raha. You know why life is not possible on Mars? Because it is extremely cold planet. Because of excessively reduced greenhouse effect, वहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, उसकी वजह से वहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना कम है कि वहां पे इतनी एक्सट्रीम चिल है, इतनी कोल्ड है कि वहां पे ह्यूमन लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती. सो दैट्स वाई मार्स पे लाइफ ओरिजिनेट नहीं कर सकती, अदरवाइज इट हैड सिमिलर conditions as that on Earth. आपको पता है कि why Venus पे life क्यों नहीं originate हो सकी? Because Venus is extremely hot planet. क्योंकि वहां पे एक्सेसिवली इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे ग्रीन हाउस इफेक्ट उतना है जितना चाहिए, जितना लाइफ को सस्टेन करने के लिए चाहिए, उतना ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे है. इज दैट क्लियर? बाकी मैंने उसका डायग्राम बनाया था, वो तो आपको दिख ही जाएगा वीडियो से. कि शुड आई ड्रॉ द डायग्राम ऑल्सो मयंक? ग्रीन हाउस इफेक्ट का डायग्राम अभी बना दूं? बोलो मयंक, व्हाट डू यू से? डायग्राम बना दूं कि वो कैसे? फिर बताइए, आपको मैंने अनम्यूट नहीं किया हुआ, यू कैन स्पीक. मतलब म्यूट नहीं किया हुआ, यू कैन स्पीक. हाँ जी, ड्रॉ कर दूं अभी? अब तो वैसे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं नया यूनिट शुरू करूं, तो वही डायग्राम ही देख लो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट का. चलिए, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट का डायग्राम देख लो. ये सन है, सबसे पहले ओजोन लेयर है आती ऊपर, ओजोन लेयर, देन कार्बन डाइऑक्साइड लेयर, अर्थ सरफेस. क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर तो यहाँ है ही, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया जहां पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेयर शो कर दी. सो द रेज कमिंग फ्रॉम सन
एक तो यूवी रेज है, दूसरी है शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज या रेडिएशन प्लस विजिबल लाइट। आपको पता है सनलाइट में तीन कॉम्पोनेंट्स है, इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन एंड विजिबल कॉम्पोनेंट। तो विजिबल और इंफ्रारेड को हमने हीट और लाइट को कंबाइन कर दिया। अब यूवी जो है वो तो एब्जॉर्ब होगी, यूवी एब्जॉर्ब तो ओजोन लेयर से ये आ गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी इसको अलाउ कर देती है पास करना, तो ये अब ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ जो है वहां तक पहुंचती है, इट हीट्स अप द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ। दीज आर व्हाट वही शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। अब ये हीट अप कर देगी, जो हीट यहां से अब रिलीज हुई वो लॉन्ग वेवलेंथ की है, जिसको हमने वेवी लाइन से शो किया, लॉन्ग वेवलेंथ इंफ्रारेड रेज, जो इतनी हीट अप नहीं हुई है जितनी की सन से आ रही, ठीक है, दे आर नॉट हीटेड अप सो मच। तो अब दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, वापिस अर्थ के सरफेस पे भेज देंगे। दिस इज CO2 molecule will reflect it back. So this is the diagram for greenhouse effect. Is that clear? चलिए स्टूडेंट्स, कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट ऑसिलेशन, ठीक है। ऑसिलेशन हमने कल स्टार्ट करना है नेक्स्ट